हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ कानीज मेथड पर, जो कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से है। और ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ये है सिविल इंजीनियरिंग का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है एनालिसिस द बीम यूजिंग कानीज मेथड। हमें कानीज मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, इसके पहले की जो वीडियोस है वो मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पर सॉल्व करी है, और ये मेरा दूसरा टॉपिक है कानीज मेथड का। तो मैं आपको बता दूं, कानीज मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में फर्क सिर्फ इतना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल हम निकालते हैं, तो उसमें एक और कॉलम ऐड हो जाता है, जो कि होता है रोटेशनल फैक्टर। ये मैं आपको आगे सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमें एक फिक्स्ड बीम दिए हैं ए से डी तक। ये मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया था, सॉरी। ए से डी तक एक फिक्स्ड बीम दी है हमें, जहां पर ए से बी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है अनइक्वल डिस्टेंस पर, बी से सी पर एक यूडीएल लग रहा है, और सी से डी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पर, और इसके लिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दी है आई, यहां पर 2i और यहां पर 1.5i। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी सबसे पहली स्टेप होती है, स्टेप नंबर वन होती है हमारी फिक्स एंड मोमेंट्स। फिक्स एंड मोमेंट्स निकालते हैं हम हर क्वेश्चन में, तो इसमें भी निकाल लेंगे। फिक्स एंड मोमेंट्स के लिए मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, उसमें मैंने फॉर्मूलेस दे रखे हैं, तो आप चाहे तो उसमें से देख सकते हैं। एम ए बी हो जाएगा हमारा माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 50 इंटू 2.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया माइनस 17.578 किलो न्यूटन मीटर। वैसे ही एम बी ए हमें मिल जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 1.5 होल अपॉन में 4 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 29.29 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद हमें मिल जाएगा बी सी, एम बी सी निकालेंगे हम माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। तो ये हो जाएगा माइनस 80 इंटू एल कितना है 4 स्क्वायर अपॉन में 12। तो ये हो गया माइनस 106.67 किलो न्यूटन मीटर। वैसे ही हमें एम सी भी मिल जाएगा, तो वो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, एंड दैट इज इक्वल टू 80 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 12, यानी कि 106.67 किलो न्यूटन मीटर। अब हम निकालेंगे एम सी डी। तो एम सी डी हमें कितना मिल जाएगा, तो एम सी डी मिल जाएगा हमें 8 माइनस में, डब्ल्यू एल बाय 8, दैट इज माइनस 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 37.5 किलो न्यूटन मीटर। वैसे ही हमें एम डी सी मिल जाएगा प्लस डब्ल्यू एल बाय 8, दैट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 8, 37.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गए हमारे फिक्स एंड मोमेंट्स। अब स्टेप नंबर टू है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। तो अब कानीज मेथड में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल की जगह हमें लिखना है रोटेशनल फैक्टर टेबल, रोटेशनल फैक्टर टेबल। अब रोटेशनल फैक्टर क्या होता है मैं आपको बताती हूं। तो देखिए, 5 कॉलम्स बनते हैं एज इट इज, जॉइंट मेंबर, रिलेटिव स्टीफनेस, टोटल स्टीफनेस,
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एन आता है आर एफ यानी कि रोटेशनल फैक्टर। तो ये हो गया जॉइंट मेंबर आर एस टी एस डी एफ और आर एफ। ये इसे कर लिया मैंने बॉक्स में क्लोज। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जॉइंट्स कितने हैं, बी ए बी सी और सी जॉइंट पर सी बी और सी डी। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बी और यहाँ पर सी। बी के लिए हो जाएगा बी ए और बी सी और सी के लिए हो जाएगा सी बी और सी डी। अब देखिए फ्रेंड्स बी ए के लिए फ्लेक्चरल रिजिडिटी दी है हमें आई और फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्टीफनेस का आई बाय एल। तो ये हो जाएगा आई बाय फोर। तो यहां पर हम लिख देंगे आई बाय फोर। उसी तरीके से देखिए बीसी बीसी हमें कितना दिया है आई बाय फोर, लेकिन ये फ्लेक्चरल रिजिडिटी कितनी दी है टू आई। तो ये हो जाएगा टू आई बाय फोर, ये हो जाएगा टू आई बाय फोर, ये भी हो जाएगा टू आई बाय फोर। उसके बाद सी डी, तो सी डी कितना होगा, सी डी हो जाएगा 1.5 आई बाय थ्री। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1.5 आई बाय थ्री। अब टोटल स्टीफनेस क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे बी जॉइंट पर, तो आई बाय फोर प्लस टू आई बाय फोर दैट इज इक्वल्स टू थ्री आई बाय फोर। वैसे ही यहां पर मिलेगा हमें 2i by 4 प्लस i by 3 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 1.5 i by 3 है ये। तो ये कितना मिलेगा हमें, जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, देखिए एलसीएम हो गया 12 और ये हो गया 6i प्लस 6i 6i प्लस 6i बाय 12 दैट इज 12i बाय 12i लिख देती हूं मैं यहां पर। तो ये हो गया i ओनली। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, रिलेटिव स्टीफनेस अपॉन टोटल स्टीफनेस। तो रिलेटिव स्टीफनेस क्या है, आई बाय फोर होल अपॉन में थ्री आई बाय फोर। तो आई बाय फोर होल अपॉन में थ्री आई बाय फोर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आई से आई कैंसल, फोर से फोर कैंसल, तो ये हमें मिल गया वन अपॉन थ्री। वैसे ही ये हमें मिल जाएगा टू आई बाय फोर होल अपॉन में थ्री आई बाय फोर। तो फोर से फोर कैंसल, आई से आई कैंसल, ये मिल जाएगा टू बाय थ्री। वैसे ही ये हमें मिल जाएगा 2i by 4 होल अपॉन में i। तो i से i कैंसिल, ये हमें मिल गया 2 by 4 दैट इज 1 by 2। वैसे ही ये वाला 1.5 i by 3 होल अपॉन में i, i से i कैंसिल, तो ये हो गया 1.5 i by 3। तो ये हमें मिल जाएगा 0.5 मतलब कि 1 by 2 इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स रोटेशनल फैक्टर क्या होता है, तो रोटेशनल फैक्टर होता है हाफ इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकला है हमारा उसमें हम माइनस हाफ कर देंगे, माइनस हाफ। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 3 इंटू माइनस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 6। वैसे ही 2 बाय 3 इंटू माइनस 1 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस 1 बाय 3। वैसे ही ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 4 और ये भी हो जाएगा माइनस 1 बाय 4। अब देखिए फ्रेंड्स अब इसके बाद वाली जो स्टेप है, तो हमें क्या करना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो सॉल्व करना है,
लेकिन उसका कुछ तरीका इस तरीके से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा जो स्टेप नंबर 3 है, तो हमें क्या कर रहे हैं, ये हमारी बीम है, ये पॉइंट है A। अब यहां पर हम बनाएंगे एक बॉक्स, बॉक्स में लिखेंगे फिक्स एंड मोमेंट्स, और यहां पर हम लिखेंगे हमारे रोटेशनल फैक्टर्स इस तरीके से। वैसे ही यहां पर भी कर लेंगे। ये बन गया हमारा बॉक्स और यहां पर हम लिख लेंगे रोटेशनल फैक्टर्स। और ये पॉइंट आ गया आपका डी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहां पर जो फिक्स एंड मोमेंट्स है हमारे वो लिख देते। तो फिक्स एंड मोमेंट्स हमको कितने मिले, तो अब देखिए अब बी और सी पर हमें क्या करना है, बी ए और बी सी का समेशन लिखना है बॉक्स में, और सी पर हमें क्या करना है कि सी बी और सी डी का समेशन लिखना है बॉक्स में। हम सब नॉर्मली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करते थे, तो उसमें भी यही करते थे हम, बॉक्स में दोनों का समेशन लिखते थे, तो अभी भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, बॉक्स में दोनों का समेशन लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमको फिक्स एंड मोमेंट क्या मिला था पॉइंट ए पर, तो देखिए हमें पॉइंट ए पर मिला था -17.58 है, तो इसको मैं 58 लिख देती हूँ, -17.57। उसके बाद अब देखिए बी पर हमें कितने मिले थे, एम बी ए और एम बी सी, तो ये दोनों जो है ये जॉइन बी पर है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का समेशन कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ समेशन एम बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एम बी ए प्लस एम बी सी, समेशन एम बी हो जाएगा एम बी ए प्लस एम बी सी। तो एम बी ए हमारे पास कितना है 29.29 और एम बी सी कितना है, तो प्लस -106.67, ये हमने लिख लिया। देखिए दोनों भी, अब हम क्या करेंगे इसको प्लस माइनस करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा -77.37। तो ये जो 77.37 मिला है हमें, इसे हम लिख देंगे ये बॉक्स में, कौन से बॉक्स में, ये वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -77.37, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जो रोटेशनल फैक्टर्स हमने निकाले वो। तो देखिए रोटेशनल फैक्टर्स हमने क्या निकाले, -1/6 एंड -1/3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1/6, -1/6 एंड -1/3। वैसे ही इस साइड भी हम रोटेशनल फैक्टर्स लिख देंगे, -1/4 एंड -1/4 निकाले हमने, तो यहाँ पर लिख देते पहले -1/4 एंड -1/4। अब हमको क्या करना है, बॉक्स में लिखना है समेशन ऑफ सी। तो देखिए समेशन एम सी क्या हो जाएगा, एम सी बी प्लस एम सी डी, तो हमें कितना मिला है, देखिए एम सी बी हमें कितना मिला है 106.67, तो यहाँ हम लिख देंगे 106.67 प्लस एम सी डी हमें कितना मिला है -37.5, तो ये हमको मिल गया 69.17 किलो न्यूटन मीटर। तो अब ये जो आया 69.17, इसको हम लिख देंगे ये बॉक्स में, तो ये बॉक्स में लिख देंगे हम 69.17। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि अगेन हमको जॉइंट बी पर एंड मोमेंट निकलना है। तो अब जॉइंट बी पर एंड मोमेंट तो क्या है, -77.37 है। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका एक तरीका है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जॉइंट बी की बात करते हैं सबसे पहले। तो जॉइंट बी पर एंड मोमेंट हमारे पास क्या है, तो एंड मोमेंट हो जाएगा ये
77.37 हो जाएगा एंड मोमेंट। और उसके बाद हमारे पास फार एंड कौन कौन से हैं, तो फार एंड है हमारे पास जॉइंट बी के लिए, देखिए फार एंड है ए और यहां से फार एंड है सी, तो फार एंड है ए एंड सी। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू जीरो मानेंगे, सी इक्वल्स टू जीरो मानेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमें क्या मिलेगा जॉइंट बी पर, जॉइंट बी पर हमें क्या मिलेगा वैल्यू इक्वल्स टू, यही मिलेगी वैल्यू -77.37। जब हम इसको तीनों को सम अप करेंगे 1, 2 एंड 3 को, तो हमें क्या मिलेगा -77.37। ये दोनों क्या करेंगे हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम करेंगे जीरो। और ए के लिए क्या हो जाएगा, तो ए के लिए हो जाएगा फॉर ए, फॉर ए पॉइंट हो जाएगा -77.37 को हमें करना है रोटेशनल फैक्टर से, तो हम क्या करेंगे -77.37 इंटू रोटेशनल फैक्टर। तो रोटेशनल फैक्टर हमारे पास कितना है -77.37 इंटू -1/6, तो ये हमें मिल गया 12.89। वैसे ही फॉर पॉइंट सी निकाल लेंगे अपन, फॉर पॉइंट सी, तो सी के लिए मिल जाएगा -77.37 इंटू -1/3। इस तरफ से क्या है रोटेशनल फैक्टर -1/3, इस तरफ से 1/6 था, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस में 25.79। तो अब ये जो 12.89 आया इसे हम लिख देंगे यहां पर, क्योंकि हमने b से निकाला है, तो इसे हम लिख देंगे यहां पर। पहले तो ये वाले ही लिख देंगे 29.30 और यहां पर -106.67, यहां पर +106.67, यहां पर -37.5 और यहां पर +37.5। ठीक है, ये तो जो फिक्स एंड मोमेंट्स है फर्स्ट टाइम में वो हम लिख देंगे। फिर जब सेकेंड टाइम हम करेंगे तो जॉइंट बी के लिए करेंगे, एंड मोमेंट हो जाएगा ये जो वैल्यू बॉक्स में लिखी है हमने वो, और फार एंड हम अज्यूम करेंगे 0, 0, तो हमें मिल जाएगा मोमेंट 77.37। फिर हमको क्या करना है, ए पॉइंट के लिए हम रोटेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी वैल्यू यहां पर लिखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 12.89 यहां पर लिख दी हमने। उसके बाद सी पॉइंट के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू आई 25.79। अब जॉइंट सी की बारी, तो अब जॉइंट सी के लिए हमें क्या करना है कि ये 69.17 ये तो सी की वैल्यू है, और डी की वैल्यू हम क्या अज्यूम करेंगे जीरो क्योंकि फार एंड है, लेकिन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 25.79 हो जाएगी। तो देखिए जॉइंट सी के लिए निकालते हैं अब हम, फॉर जॉइंट सी, तो जॉइंट सी के लिए क्या हो जाएगा एंड मोमेंट जो कि बॉक्स में है, बॉक्स में वैल्यू कितनी है देखिए 69.17, तो यहां पर लिख देंगे 69.17। उसके बाद B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो B की वैल्यू ये जो हमने निकाली कितनी निकाली हमने ये 25.79 जो यहां पर लिखी है वो B की वैल्यू हो जाएगी 25.79, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 94.95, दोनों को प्लस कर देंगे तीनों को, तो 94.95 मिल गया। अब वापस से हमें क्या करना है सी बी के लिए निकालना है, एम सी बी के लिए, तो हम क्या करेंगे 94.95 इंटू रोटेशनल फैक्टर, तो रोटेशनल फैक्टर कितना है -1/4, तो हमें मिल जाएगा ये -23.74, और एम सी डी के लिए हमें मिल जाएगा 94.95 इंटू -1/4। देखिए इस तरफ भी -1/4 ही है, तो ये भी हमें मिल जाएगा कितना -23.74। तो इसको अब हम लिख देंगे यहां पर
-23.74 और यहाँ पर भी -23.74 और यहाँ पर क्या रहेगा 0। फिर इसके बाद इसको मैं नीचे तक ले आती हूँ, इसको भी नीचे तक ले आती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अभी इसके बाद, अब इसके बाद हमारा थर्ड है। तो अगेन थर्ड वाली के लिए हम फिर से क्या करेंगे, जॉइंट बी पर जाएंगे, तो बॉक्स की जो वैल्यू है प्लस सी वाली वैल्यू लेंगे। तो अब इसके लिए फार एंड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और एक और फार एंड कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पर अभी वैल्यू कितनी है, 0। तो अगेन हम बात करेंगे जॉइंट सी की, ये हमने फर्स्ट टाइम निकाला, अभी हम निकालेंगे सेकेंड टाइम। तो फॉर जॉइंट बी, तो अगेन जॉइंट बी के लिए एंड मोमेंट कितना है, तो एंड मोमेंट है हमारे पास -77.37, एंड मोमेंट है -77.37। उसके बाद फार एंड ए है 0 और फार एंड सी है, अभी हमने कितना निकाला सी पर वैल्यू, -23.74। तो ये हो जाएगा इक्वल टू -101.11। तो ये हमें मिल गई वैल्यू कहां पर, जॉइंट बी पर। अब वैसे ही हमें एम सी बी निकालना है, सॉरी एम बी सी निकालना है, तो वो हो जाएगा -101.11 इंटू रोटेशनल फैक्टर। रोटेशनल फैक्टर कितना है, -1/3। तो ये हो जाएगा 33.70 और वैसे ही हम निकालेंगे एम बी ए, मतलब इस तरफ, तो हो जाएगा 101.11 इंटू -1/6। तो ये हमें मिल जाएगा 16.85। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कितना आ गया 16.85 और यहाँ पर हमें मिल गया 33.70। अब हमको क्या करना है, जॉइंट सी पर निकालना है। तो जॉइंट सी के लिए ये एंड मोमेंट हो जाएगा, फार मोमेंट ये हो जाएगा और ए फार मोमेंट ये हो जाएगा 0। तो चलिए निकालते हैं सेकेंड टाइम में जॉइंट सी के लिए, सेकेंड जॉइंट सी। तो जॉइंट सी के लिए क्या हो जाएगा, एंड मोमेंट हो जाएगा जो हमने पहले भी लिया था एंड मोमेंट 69.17। फिर फार मोमेंट हो जाएगा बी एम बी, तो वो हमने कितना लिया है 33.70, तो 33.70 ले लेंगे। और फार मोमेंट एंड डी हो जाएगा 0, तो इन दोनों को जब प्लस किया हमने तो हमें आंसर मिल गया 102.86। अब हम क्या करेंगे, इस 102.86 को मल्टीप्लाई करेंगे इन रोटेशनल फैक्टर से। तो 102 एम सी डी सी बी के लिए हमें मिल जाएगा 102.86 इंटू -1/4, तो ये हमें मिल गया -25.72। और एम सी बी के सी डी के लिए भी हमें मिल गया -25.72। देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसीजर है, बस फर्क इतना है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम हर मल्टीप्लीकेशन के बाद बॉक्स में लिखते थे, अभी हमें बॉक्स में नहीं लिखना है और ऐसे एक रफ वर्क करते जाना है। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें दो मोमेंट्स क्या मिल गए, सी बी के लिए मिल गया -25.72 और सी डी के लिए मिल गया -25.72, और डी सी के लिए कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ पर 0। यहाँ पर भी कुछ नहीं था तो यहाँ पर भी 0। अब हमको क्या करना है, अगेन सी के लिए निकालना है। तो ऐसा हमें कब तक करते रहना है फ्रेंड्स, जब तक ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों सेम सेम ना मिल जाए। तो चलिए अब थर्ड टाइम में सीडी के लिए निकालते हैं। थर्ड टाइम में निकालेंगे जॉइंट सी के लिए, जॉइंट बी के लिए, जॉइंट बी। तो जॉइंट बी के लिए एंड मोमेंट क्या है, एंड मोमेंट तो सेम रहेगा जो बॉक्स में है, -77.37। फार मोमेंट क्या रहेगा, फार मोमेंट क्या रहेगा, तो फार मोमेंट सी के लिए हो जाएगा ये वाली वैल्यू -25.72।
और फार मोमेंट ए के लिए रहेगा ये वाली वैल्यू यानी कि जीरो। तो फार मोमेंट एट ए रहेगा जीरो। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा -103.09। अब वैसे ही हम क्या निकाल लेंगे, जॉइंट डी से हम निकाल लेंगे बीए की वैल्यू और बीसी की वैल्यू। तो अब यहां पर लिख देते हैं हम एम बी ए, तो एम बी ए हमें मिल जाएगा -103.09 इंटू उसका रोटेशनल फैक्टर कितना है -1/6, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। और एम बी सी की वैल्यू भी -103.09 इंटू -1/3, तो ये हमें मिल गई बी ए के लिए 17.17 और इसके लिए हमें मिल गई 34.35। तो यहां पर हम लिख देंगे 17.17, यहां पर हम लिख देंगे 34.35। वैसे ही अब सी के लिए निकालेंगे तो जॉइंट सी के लिए हो जाएगा, जॉइंट सी के लिए हो जाएगा एंड मोमेंट जो बॉक्स में है वही रहेगा, तो बॉक्स में एंड मोमेंट कितना है देखिए 69.17। फिर फार मोमेंट हो जाएगा, अब फार मोमेंट कौन कौन से होंगे, एक सी बी होगा मतलब सी होगा बी होगा और एक डी होगा, तो फार मोमेंट एट बी और वैल्यू कौन सी लेनी है 34.35। वैल्यू हमें कौन सी लेनी है ये वाली 34.35 और फार मोमेंट एट डी, तो डी तो क्या रहेगा जीरो। तो सब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा देखिए 69.17 प्लस 34.35, तो हमें मिल गया 103.52। तो अब हमें क्या करना है, ये जॉइंट सी पर मिल गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है एम एम सी बी निकलेगा और एम सी डी निकलेगा, एम सी बी निकलेगा और एम सी डी निकलेगा। तो कैसे निकलेगा 103.52 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1/4 को और 103.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1/4 को। -1/4 दोनों जगह है जो कि रोटेशनल फैक्टर है, तो कर दिया हमने तो हमें मिल गया -25.88। तो देखिए इधर भी मिल गया -25.88 और इधर भी मिल गया -25.88 और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो। अब देखिए थोड़ा सा सेम है लेकिन पॉइंटर में डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है एक बार फिर से सॉल्व कर लेते शायद अब आ जाए। तो आप फोर्थ टाइम फिर से सॉल्व करेंगे इसको, तो जॉइंट बी पर हमें मिल जाएगा फार मोमेंट क्या होगा, सेम ही रहेगा फार मोमेंट जो बॉक्स में वैल्यू लिखी है, फिर सॉरी एंड मोमेंट होगा, फिर फार मोमेंट एट सी, फार मोमेंट एट सी क्या होगा ये वाली वैल्यू -25.88। उसके बाद फार मोमेंट एट ए, तो ए पर हमें कितना लेना है जीरो, तो ये मिल गया हमको -103.25। अब इसके बाद हमें क्या करना है एम बी ए निकलेगा और एम बी सी निकलेगा जॉइंट बी से, तो -103.25 इंटू -1/6, तो ये हमें मिल गया 103.25 / 6, तो ये हमें मिल गया 17.21। और ये हमें मिल जाएगा -103.25 इंटू -1/3 मतलब 103.25/3, तो ये हो जाएगा 34.42। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 17.21 और 34.42। देखिए ये भी नियर अबाउट इक्वल आ रहा है, यहाँ पर जीरो है। अब जॉइंट सी का देखते हैं, तो जॉइंट सी पर हो जाएगा एंड मोमेंट जो हम हमेशा जो सेम रहेगा वही। उसके बाद फार मोमेंट क्या होगा, तो फार मोमेंट एंड बी, बी पर हमने क्या वैल्यू लिखी है ये वाली वैल्यू लेनी है, जो लास्ट वैल्यू हम लिखेंगे वो वैल्यू लेनी है।
तो 34.42 है लास्ट वैल्यू हमारी, और फार मोमेंट एट डी हमेशा जीरो लेना है, तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमें मिल गया 103.59। अब हम क्या निकालेंगे, एम सी बी निकल जाएगा जॉइंट सी से और एम सी डी निकल जाएगा, तो 103.59 इंटू माइनस 1/4 और ये भी 103.59 इंटू माइनस 1/4, तो हमें दोनों वैल्यूज मिल जाएगी। तो 25 माइनस में 25.89 और ये भी माइनस में 25.89। देखिए माइनस 25.89 और ये भी माइनस 25.89 और यहाँ पर जीरो। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम सेम आ गई है हमारी। तो आप क्या करेंगे, हम अपनी प्रोसेसर को यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इन सब का समेशन करना है। अब फाइनल रीडिंग्स के लिए हमको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट रीडिंग है ये हम यहाँ पर लिख लेंगे एज इट इज, माइनस 17.57, माइनस 20.30, माइनस 106.67, प्लस 106.67, माइनस 37.50 एंड प्लस 37.50। फिर हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट रीडिंग आई है हमारी इसे टू टाइम्स लिखना है। तो ये मैंने देखिए लास्ट रीडिंग लिख दी है टू टाइम्स। इसके बाद ये वाली जो वैल्यू है इसे हम इंटरचेंज करेंगे, जीरो आ जाएगा यहाँ पर और 17.21 यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख देंगे और इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल मोमेंट्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों का सम करके हमें मिलेंगे फाइनल मोमेंट्स। तो ये मिल गया माइनस 0.29, ये मिल गया 63.72, ये मिल गया माइनस 63.72, ये मिल गया 89.29, इसका हमें मिल गया माइनस 89.29 और ये 11.6। तो देखिए बी पर दोनों मोमेंट्स इक्वल आ गए, एक प्लस में एक माइनस में, और वैसे ही सी पर दोनों मोमेंट्स इक्वल आ गए, एक प्लस में और एक माइनस में। अब इसके बाद हमारी स्टेप है स्टेप नंबर 4, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। स्टेप नंबर 4, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज SFD एंड BMD। तो अब SFD और BMD के लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक बार बीम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। अब यहाँ पर एक लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, ये डिस्टेंस है 2.5 मीटर, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ये UDL है 80 किलो न्यूटन पर मीटर का, और यहाँ पर सेंटर पर लोड लग रहा है 1.5 और ये हो गया 100 किलो न्यूटन। अब देखिए फ्रेंड्स डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा एज इट इज नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं, सारे पॉइंट्स को हम नीचे तक ले आएंगे, इसको भी नीचे की तरफ ले आते हैं और इसको भी नीचे की तरफ ले आते हैं। ये यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले, और अब जो हमें फाइनल मोमेंट्स मिले हैं इसे हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर 0.29 है, उसके बाद 63.67 यहाँ पर कहीं होगा, 63.72 बी पॉइंट पर, उसके बाद सी पॉइंट पर हमें कितना मिला है 89, तो वो यहाँ पर कहीं पर होगा 89.29 और उसके बाद यहाँ पर कहीं पर होगा 11.6 किलो न्यूटन मीटर। अब क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देते ये इस तरीके से, इसको इससे और इसको इससे, अब ये हो गया जॉइन। अब हमें क्या करना है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ, इसको भी डार्क कर देती हूँ और इसको भी। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस पे लग रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर एक ट्रायंगल बनेगा, तो
ये मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ इस तरीके से। ये बन गया ट्रायंगल। यहाँ पर एक यूडीएल लग रहा है तो इस तरीके से यूडीएल बन जाएगा, और यहाँ पर भी ट्रायंगल बनेगा क्योंकि पॉइंट लोड है तो यहाँ पर कहीं पर बनेगा। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब लेकिन हम इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिखाए हैं, अभी फिर से बता देती हूँ। अगर पॉइंट लोड लग रहा है और अनइक्वल डिस्टेंस पर है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, डब्ल्यू दिया है 50 इंटू ए दिया है 2.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा, ये 4 मीटर का स्पान है, ये भी 4 मीटर का स्पान है और ये 3 मीटर का स्पान है। तो ये हो जाएगा 46.875। लेकिन ये जो हमें मिली है टोटल हाइट मिली है, लेकिन हमें निकालना कितनी है, सिर्फ ये शेडेड एरिया की। तो शेडेड एरिया की हाइट हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालकर इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए 63.72 प्लस 0.29 डिवाइड बाय 2, तो ये हमें मिल गया 32। अब 46 में से हम 32 को माइनस कर देंगे तो 46.875 माइनस 32, तो ये हमें मिल जाएगा 14.875। तो मतलब यहाँ पर हमें मिल गया 14.875 किलो न्यूटन मीटर। ये बाकी का जो पोर्शन है इसको भी हम शेड कर देंगे, इसको भी शेड कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, यूडीएल की अगर हम बात करें तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तब तो W कितना दिया है 80 इंटू एल मतलब कि 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो ये हमें मिल गया 160। मतलब ये टोटल हाइट हमें मिली है 160, लेकिन हमें सिर्फ ये शेडेड एरिया की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 160 में से इन दोनों का एवरेज माइनस कर देंगे। तो 89.29 प्लस 63.72 डिवाइड बाय 2, एवरेज निकाल लिया हमने 76.5, तो हम इसको माइनस कर देंगे 160 में से। तो ये हमें मिल गया 83.5 किलो न्यूटन मीटर। अब ये बाकी का जो एरिया है इसे भी हम शेड कर देंगे इस तरीके से। अब आते हैं ट्रायंगल पर। अब अगर पॉइंट लोड लग रहा है और सेंटर पर लग रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 4। यानी कि W कितना दिया है हमको 100 इंटू एल मतलब कि 3 डिवाइड बाय 4, तो ये मिल गया हमें 75। तो 75 हमें टोटल हाइट मिली है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ शेडेड एरिया की हाइट। तो शेडेड एरिया की हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का एवरेज लेकर माइनस कर देंगे। 89.29 में से हम माइनस कर देंगे 89.29 प्लस 11.6 डिवाइड बाय 2, तो ये हमें मिल गया 50.45। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 50.45 75 में से, तो ये हाइट हमें मिल जाएगी 24.55 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट। ये जो बाकी का पोर्शन है इसे भी हम शेड कर देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट। इसे हम नेमिंग दे देंगे ए बी सी एंड डी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।